पावत धरती पर और खास करके माँ कामाख्या के शरण में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यह आयोजन अपने आप में एक अद्भुत है। हम सभी आयोजकों को अपनी ओर से, अपने पाटलिपुत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आप सदा इस तरह का आयोजन कर सभी को इस पावन धरती पर, जो सैनिकों की भी ये खास करके गांव है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि एशिया का सबसे बड़ा गांव के बीच में हम लोग आए हुए हैं। खास करके पट्टे से चलकर मैं यहां आया और आप सबों के बीच में अपने, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है, ठंड भी पड़ी हुई है और जैसा कि अध्यक्ष जी का और संचालक महोदय का निवेदन है, मैं दो तीन छोटी छोटी जो 5 मिनट के अंदर ही समाप्त हो जाएगा, मेरी कविता खास करके व्यंग होती है। मैं सबसे पहले कविता का जो शीर्षक है, बेरोजगार गरीब दास ने मुझे चाय पर बुलवाया, गरीब दास ने मुझे चाय पर बुलवाया, अपने चारों बेटे से मुझसे परिचय करवाया। गरीब दास ने मुझे चाय पर बुलवाया, अपने चारों बेटे से मुझसे परिचय करवाया। यह मेरा पहला पुत्र है, MBBS पास है, नाम है हर्ष दास, रहता उदास है। MBBS पास है, नाम है हर्ष दास, रहता उदास है। और दूसरा जो सामने टूटी खाट पर लेटा है, मेरा दूसरा बेटा है। सामने टूटी खाट पर लेटा है, मेरा दूसरा बेटा है, लंदन से आया है, इंजीनियरिंग की डिग्री लाया है। तीसरे का दिमाग जरूरत से ज्यादा हाई है। पढ़ लिख नहीं पाया इसलिए नाई है। मैंने कहा गरीब दास इसे घर से निकालिए, और अपना घर का परिस्थिति संभालिए। इस पर बोले गरीब दास, संत जी निकाल तो दूं पर यह बहुत काम आ रहा है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं, घर का खर्चा तो यही चला रहा है, मेरी दूसरी कविता है, क्योंकि एक आंदोलन हम लोगों ने बहुत पहले छेड़ा था और 8वीं अनुसूची में मैथिली का स्थान दिया और हम लोग खास करके 3 MA और लॉ BEd सब पटना यूनिवर्सिटी से किया, तो मैथिली से मुझे मैथिली नहीं आती थी और मैंने मैथिली से भी परमिशन लेके बैठा था, क्योंकि हिंदी में भी मैं मैथिली सीखने के बाद मैथिली में भी एक शब्द है सीटी, आटे से सने हाथ धोकर, तो इस सीटी मैथिली में भी हमने किया, उसको हिंदी में भी मैं आप लोग को हिंदी में रूपांतर कर रहा हूं। आटे से सने हाथ धोकर गुस्से में लाल होकर पत्नी बोली पति से, आटे से सने हाथ धोकर गुस्से में लाल होकर पत्नी बोली पति से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अच्छा, आटे से सने हाथ धोकर गुस्से में लाल होकर पत्नी बोली पति से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस पर पति बोले, ऐसा क्यों? तो पत्नी बोली, स्कूल में थी तो लड़के सीटी मारते थे, कॉलेज में गए तो तुम, अब घर में हूं तो प्रेशर कुकर सीटी मारता है। मेरी एक अंतिम छोटी है, पढ़ने लिखने से बादशाह नहीं था लेकिन पढ़ लिया बहुत ज्यादा, मैट्रिक 3rd division था, झूठ नहीं बोलता हूं। ज्ञान की ओर, उस समय की बात है, ज्ञान की ओर पीठ कर, ज्ञान है पीठ की, ज्ञान की ओर पीठ कर चल रहा हूं यार, कि कभी ना कभी
मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। सूरज हूँ, आज का सूरज हूँ और कल का सितारा हूँ मैं, पनपता हुआ इस देश का सितारा हूँ मैं। कभी आंधी से पूछना मेरी दास्ता, कभी आंधी से पूछना मेरी दास्ता, क्योंकि आंधी भी झुक गए उस भारत माता, दुलारा हूँ मैं, दुलारा हूँ मैं। कभी उस रंगभूमि से जाकर पूछना उस वीरता का कहानी हूँ मैं, पनपता हुआ इस देश का निशानी हूँ मैं, निशानी हूँ मैं। हमारी हमारी हसी ना उड़ाओ ए जमाने वाले, हमारे हसी ना उड़ाओ ए जमाने वाले, क्योंकि वीरों की धरती गाजीपुर का दुलारा हूँ मैं, दुलारा हूँ मैं। अपनी अपनी भारत माँ की कहानी हूँ मैं, अपनी भारत माता की कहानी हूँ मैं, माननीय अखंड प्रताप सिंह जी के जुबानी हूँ मैं। विश्व विश्व श्रेष्ठ जासूस स्टार माननीय गोपाल राम डहमरी जी का निशानी हूँ मैं, निशानी हूँ मैं, अपने गाजीपुर का कहानी हूँ मैं, कहानी हूँ मैं। धन्यवाद दोस्तों।